का छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। कितना मीठा है। मीठा है ये? ये नमकीन तुम्हें मीठी लग रही है? तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, छूटे कहीं के। ये नमकीन है? कमाल है यार, तुम्हारे हाथों में कितनी मिठास है कि तुम जिस चीज को छू लेती हो मीठी हो जाती है। हाँ, वेरी फनी। सीरियसली, हमारा प्यार तुम्हें फनी लग रहा है? जी हाँ। अब ऐसे बोलोगे तो कौन सीरियसली लेगा तुम्हें? अच्छा जी, तो ठीक है, आपको हम प्यार वाला प्यार दिखाते हैं। सार्थक, एक बात कहें तुमसे? कहो, क्या कहना है? हम ये कहना चाह रहे थे कि तुम अब से पहले कई बार इस कमरे में, कभी हमारे साथ खेलने तो कभी पढ़ाई करने, कभी हमसे रूठने तो कभी हमें मनाने, और कभी हमसे झगड़ा करने। लेकिन ना इस बार वाली फीलिंग कुछ अलग सी है, पता है, मन में ना खुदकुदी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमारी जिंदगी का अधूरापन पूरा हो गया, जैसे हमारी जिंदगी पूरी हो गई। पता है हम क्या सोच रहे हैं? क्या? सब घर वालों के बारे में। मतलब आज से पहले जब भी हम यहाँ आए हैं, तुम्हारे घर में, इस कमरे में, तुम्हारे दोस्त बनकर आए हैं, पर आज हम दोनों का ऐसे अकेले यहाँ बैठना, पता नहीं बाहर सब क्या सोच रहे होंगे। दृष्टि, अरे क्या हुआ? किलो पानी पी, आराम से, आराम से, धीरे। ठीको, दृष्टि क्या हो गया अचानक? तुम हंस क्यों रही हो? जजमान, गजब का फिर इन दोनों की कुंडली में। आज से ठीक 4 दिन बाद तो बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है। और अगर इस शुभ मुहूर्त में विवाह नहीं हुआ, अगले एक वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त फिर नहीं बनता है। जल्दी हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? पंडित जी, आपने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया, कोई उपाय बताइए ना। माफ कीजिए माता जी, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं। अरे माँ जी, जहाँ चाह वहाँ राह। सर, हम तो कहते हैं कि अगर हम सब लोग मिल बांट के कोशिश करेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा। हाँ सत्येंद्र जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां 2 लोग लगते हैं वहां 4 लोग लगा लेंगे, लेकिन काम पूरा हो जाएगा, किसी कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी। बस ये समझिए, हम कल ही जाके खरीदारी कर लेते हैं और उसके बाद मेहंदी और संगीत कर लेंगे, और उसके अगले दिन तैयारी करके हल्दी और शादी, सारे कार्य हो जाएंगे। ठीक रहेगा ना? जी सर। पापा जी, आप सब लोग बातें कीजिए, हम घर जाके तैयारियां शुरू करते हैं।